कि भी आप अपनी उंगलियों को स्ट्रोंग कर सकते हो। वो कैसे, आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी घर पे रह के आप अपनी उंगलियों को स्ट्रोंग कर सकते हो। जैसे उंगलियों होती है हमारी सारी, इसी में ही होती है, रेमिडेशन होती है हमारी, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ वज़न उठाते हैं, तो इन्हीं में जान होनी चाहिए, जिससे हमारी सब कुछ होता है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, डंबल उठाते हैं, रोड उठाते हैं, जो मर्ज़ी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इनमें जान होनी ज़रूरी होती है। तो आपको 3 एक्सरसाइज ऐसे करने हैं जिससे हम आपकी उंगलियों को जो है स्ट्रॉन्ग। तो पहला काम तो आपको करना है, आपको आपके नेल्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, आपके नेल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जब भी आप करो तो आपकी देखना ऐसे ऐसे उंगली हिलेगी, इसका मतलब है कि हमारी उंगली स्ट्रॉन्ग नहीं, ना मेरी उंगली स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको 3 एक्सरसाइज ऐसे बताऊँगा कि आपकी उंगलियाँ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाबुल जैसे हाथ हो जाएंगे, बिल्कुल बाहुबली जैसे हाथ हो जाएंगे आपके 3 एक्सरसाइज करोगे तो। आपको पहले एक्सरसाइज करना है हाथों को ऐसे करके, आपको ऐसे ऐसे करना है, ये जितना हो सके ना हाथों को ऐसे ऐसे करना है, आपको मोड़ना है ये हाथ ऐसे 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 ऐसे। जब आप ये करते हो तो आपके हाथों में भी दर्द होने लग जाता है, जिससे हाथ में पेन होने लग जाता है, उंगलियों में पेन होने लग जाता है। ये देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, तो पूरी रेमोडेशन हो रही हाथों की, पूरी हाथ चल रहे हैं, जिससे मेरे को भी पेन हो रहा। आप भी करोगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जब आपको 2 से 3 मिनट ये रेमोडेशन करनी है, 2 से 3 मिनट तक करोगे आपके हाथ भी टाइट होने लग जाएंगे, उंगलियां जो हमारी होती है ढीली होती है वो भी टाइट होने लग जाएगी। आपको ऐसे ऐसे करना ही है, आपको गूठा ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे करना है आपको। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको पंच होता है, पंच मुक्का जिसे हम कहते हैं, पंच भी कहते हैं, मुक्का भी कहते हैं, आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है। आपको अंगूठे का यूज़ नहीं करना, अंगूठे का यूज़ हम अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। आपको ऐसे ऐसे करना है, जब हम ये कर रहे हैं देख सकते हो मेरे फोरआर्म्स पे भी असर जा रहा है, मतलब पूरा इधर तक हाथों पे प्रेशर जा रहा है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये देख सकते हो, जिससे हमारी उंगलियाँ टाइट होने लग जाती हैं। इससे मुक्का भाई, मुक्का पंच भी होता है, बॉक्सिंग में हम करते हैं, उनके मजबूत रहते हैं हाथ, क्योंकि वो बॉक्सिंग करते हैं, इसके कारण उनके हाथ मजबूत रहते हैं। आपको ऐसे ऐसे करना है, 2 से 3 मिनट तक करनी है ये भी आपको एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको टाइगर चाल चलनी है। टाइगर चाल कैसे चलते हैं, आपको नहीं है उंगली के बल चलना है, आपको उंगली ऐसे मोड़नी नहीं है, आपको खड़ी रखनी है उंगली, आपको ऐसे हो जाना है, आपको ज़्यादा लोड भी नहीं देना है इनके ऊपर, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे चलना है टाइगर चाल, इसे हम बोलते हैं टाइगर चाल। टाइगर चाल में क्या होता है भाई, जो सारा प्रेशर होता है वो इन पे आ जाता है, फर्स्ट वाली जो हमारी ये होती है, इन पे हमारा सारा प्रेशर आ जाता है, जिससे हमारी उंगलियां टाइट होने लग जाती हैं। तो आप ये 3 एक्सरसाइज करिए, इसको आपको भी 2 से 3 मिनट तक करना है। आप ये 3 एक्सरसाइज करिए, घर पे रह के भी आप अपनी उंगलियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फिर फिट रह सकते हो।